अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। NA 249 सियासी गहमा गहमी अरूज पर, और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो ये है कि चूंकि ये वायरस तीसरी लहर बहुत शदीद हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। CM सिंध ने आज भी ये कहा है कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी सियासी जमातें मज़ीद हैं कि ये इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एहतियात ज़रूरी है और एहतियात हुकूमतों को सोचना चाहिए और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन को इस पर गौर करना चाहिए। दूसरी तरफ DGI SPR कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली दोनों लहरों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और हमें अपने SOPs फॉलो करने होंगे, क्योंकि इंडिया में जो हम सूरतेहाल देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और अल्लाह ना करे कि इस तरह की सूरतेहाल को पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई सूरतेहाल पैदा हो, तो बेहतर ये होगा कि हम SOPs फॉलो करें ताकि हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ। मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो उस पर अपोजिशन भरपूर तनकीद कर रही है, महंगाई है और महंगाई की वजह से बिलावल भुट्टो की ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर जाना होगा, वज़ीर आज़म को घर जाना होगा, लेकिन सिर्फ अपोजिशन ही की नहीं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी नाला हैं हुकूमत से और उनके मुतालबात भी पूरे नहीं हो रहे और हुकूमत की कारकर्दगी भी बेहतर नहीं हो रही। क्या वजह है कि वज़ीर आज़म 3 साल हो चुके हैं और वह अब भी कल अपने खिताब में कह रहे थे कि मुझे फ़ख्र है अपनी कारकर्दगी पर, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी कारकर्दगी पे उनको फ़ख्र है। हमें तो पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, अवाम जो हैं उनका उनकी दस्तरस से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी पर फ़ख्र है। और अगर हम PTM की बात करें तो PTM आज बैकडोर रबते हुए हैं और ख़ासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब की बात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से। अब कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTM में वापस आ जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTM में वापस आती है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले जैसी वो अहमियत होगी या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं PTM की तो PTM में सबसे ज़्यादा बड़ी सियासी जमात जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP दोनों चूँकि अलग हो चुकी हैं PTM से, और अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापसी का रुख करती है तो वो किन शराइत पे होगे, क्या मुतालबात होंगे और क्या बाकी जो 8 सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजरत करेंगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे माजरत करेगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।